ये देखिए आज मैं टमाटर का सांभर बना रही हूँ। तो मैंने इसको कुकर में बॉईल कर लिया है और ये करने से देखो इसके छिलका अपने आप ऐसे उतर रहा है, ऊपर का छिलका उतार लिया ऐसे, कैसे उतर जाएंगे। और इसके लिए मुझे चाहिए ये है अदरक लहसुन की पेस्ट, ये है राई, करी पत्ता, थोड़ा सा गुड़, नमक, मिर्ची, हल्दी नहीं, ये धनिया, और ये है सांबर पाउडर। देखिए टमाटर का मैंने छिलका उतार दिया है, ये सब उतार के अलग रख देते हैं। अब इसको हम ये ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये ऐसा हो गया, और अब इसके अंदर ये गुड़ जो है डाल के रख दो। अब मैंने सब्जी काट के रखी है, मैं सब्जी वाला बना रही हूँ। इसमें ये आलू है, गाजर है और बीन्स है, मेरे पास यही पड़ी थी तो मैंने यही बना रही हूँ। और ये ऐसा प्याज काट लीजिए छोटा छोटा सा, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल के ये सूखी हुई लाल मिर्चें हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं। इसको इससे ढक दीजिए क्योंकि ये फूलों के ऊपर आएगी। इसको हम काला होने तक करेंगे, बिल्कुल ब्लैक करके साइड में रख देंगे। तो ये देखो ये अब काली हो गई है, और यहाँ पर मैंने साइड में ही वो पतीले में जो ये टमाटर की प्यूरी टाइप की थी ये रख दी है। अभी इसको साथ के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, अब ये इसी तेल में सबसे पहले थोड़ी सी हींग डाल दो, अभी राई डाल दी, फ्राई हो गई, अभी डाल दो मैंने करी पत्ता, ये अदरक लहसुन की पेस्ट ताज़ी ही बनाइएगा, ये डाल दी। ये जब छोटा छोटा ये प्याज कटा है ये डाल दिए, और इसको चिमटे करके थोड़ा होने के लिए रख दो। तो अब ये हो गया है थोड़ा, और बहुत कम तेल डाला है मैंने देखो इसमें। अब इसमें डालेगा थोड़ी सी लाल मिर्च जैसे आपको चाहिए, हल्दी नहीं, हल्दी नहीं डलेगी, धनिया पाउडर, और ये है सारा, ये डाल दो, थोड़ा सा टमाटर का पानी ही डाल के इसमें रख दिया, और नमक, नमक आप के स्वाद अनुसार, और ये सब सब्जियाँ इसमें डाल के पकने के लिए सिम पे रख। अब ये सब्जियां हैं ना, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, तो इसका तरीका है ऐसी एक प्लेट स्टील के ऊपर रखो और उसके ऊपर पानी डाल दो। तो अभी मैं इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। तो इसका पानी सूख गया है और ये सब्जी भी बनी, इसको बंद कर दो। और ये देखो चाहिए मैं सांभर मेरा, इसमें ऐसे डाल दो फिर डाल, ये हो गया। और इसमें डलेगी इतनी काली मिर्च पीसी हुई, और ये है भुना हुआ जीरा, ठीक है, ये, और ऊपर से हमने डाल दिया हरा धनिया, देखो रंग इसका। माई रेसिपी एंजॉय योर संडे। ये देखो खट्टा मीठा सांभर।